खबर यह भी है कि शेखपुरा किनवाही इलाका कोट अब्दुल्ला के रहायशी मोहम्मद अब्दुल्ला जिमनास्टिक के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के इदारों की तवज्जो न होने की वजह से इनका टैलेंट गुमनामी की नज़र हो गया। मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल जिमनास्टिक चैंपियनशिप में अंडर 19 लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चाइना ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल्ला, जो जिला शेखुपुरा का एक नवाही इलाका है। इस वक्त मेरे साथ हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, जो जिमनास्टिक के बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन हुकूमत की तवज्जो ना होने की वजह से पाकिस्तान का टैलेंट गुमनामी की नज़र हो रहा है। तो आइए मैं मोहम्मद अब्दुल्ला से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं अपने इस टैलेंट के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट ना होने की वजह से ये मैं पीछे रह गया। इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। इस टैलेंट को हम बहुत ही आगे लेके जा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, ये देखें, इनको करवाई, काफ़ी चीज़ें करवाई मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल हो गए गेम करवाते हुए और 8-9 साल मुझे खुद करते हुए हो गए इस गेम फील्ड में, लेकिन कोई तावन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ। चाइना में भी खेल कर आया हूँ मैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। नेशनल प्लेयर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। इस कोट अब्दुल्ला का एक नाम रोशन हो सकता है।